समर प्लोइंग यानी गर्मियों में गहरी जुताई के फसल टेम्पो हो जाती है, कचरा उससे खाद बढ़िया बन जाता है। अच्छा, नमी बनी रहती है सही किसान गर्म तापमान जालो नीचे जो मर जाए आगे फसल का मान कोई नुकसान को नहीं है। किसान साथियों, कोई भी काम धंधा हो, व्यवसाय हो, खेती बाड़ी हो, पशुपालन हो, अगर उसमें समय से एवं अनुशासित तरीके से प्रबंधन किया जाए तो निश्चित तौर पर वह हमेशा फायदे का सौदा देता है। खेती बाड़ी में समय पर खेत की जुताई, बुआई, उसमें सिंचाई, रोग नियंत्रण किया जाए तो निश्चित तौर पर खेती हमेशा फायदे का सौदा होती है, एक अच्छा और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन देती है। खेती बाड़ी के अनुशासित एवं समय पर प्रबंधन से संबंधित विषय पर ही आज हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है समर प्लोइंग यानी गर्मियों में खेत की गहरी जुताई। नमस्कार, मैं आपका किसान साथी मदन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल खेतरी तकनीक, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर रोज खेती बाड़ी से संबंधित नई नई जानकारियां, नई नई तकनीकें एवं नवाचारी किसानों के साथ सीधे खेत से बातचीत। और आज का विषय है समर प्लोइंग। समर प्लोइंग के फायदों के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि अन्य किसान भाई भी समर प्लोइंग के फायदों से अवगत हो सके। एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि खेती बाड़ी से संबंधित सभी प्रकार की लाभकारी जानकारियां एवं तकनीकों की जानकारी आपको घर बैठे मिल सके। किसान साथियों, बात करें खरीफ की फसल से पूर्व समर प्लोइंग गर्मियों में खेत की गहरी जुताई के वैज्ञानिक कारणों की, तो बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो आपकी फसल और आपकी जेब दोनों के लिए लाभकारी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, किसान भाई ने पहले इस खेत में उगी हुई खरपतवार को काटकर मिट्टी में दबाने के लिए इस पे फेरे से कटाई की है, ताकि जो भी खरपतवार है वो अच्छे से कट के मिट्टी में दब जाए। अब किसान भाई इस पे डिस्क से गहरी जुताई कर रहे हैं। इस गहरी जुताई के वैज्ञानिक कारणों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बात करें समर प्लोइंग गर्मियों में खेत की गहरी जुताई के लाभ से संबंधित वैज्ञानिक तथ्यों की, तो रबी की फसल की कटाई के बाद भूमि के नीचे रबी की फसल के जो अवशेष रह जाते हैं उन पर बहुत से कीट पतंगे, दीमक एवं वाइट क्रब पलती रहती है। इसलिए इन कीट पतंगों, दीमक एवं वाइट क्रब को खत्म करने का सबसे बेहतर एवं कम खर्चे वाला उपाय है तो वो है समर प्लोइंग। जैसे ही आप खेत में गहरी जुताई करेंगे डिस्क से, हेरे से या हल चलाकर, तो जो फसल के अवशेष हैं उनमें लगी हुई दीमक, वाइट क्रब एवं कीट पतंगे ऊपर आ जाएंगे एवं मई जून के 45 से 50 डिग्री के टेम्परेचर में वो समूल नष्ट हो जाएंगे, जिससे आगे लगाई जाने वाली खरीफ की फसल में रोग नियंत्रण में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। बात करें समर प्लोइंग के दूसरे वैज्ञानिक तथ्य की, तो समर प्लोइंग के कारण जो खरपतवार या पिछली फसल के अवशेषों की मिट्टी में दबने से हरी खाद तो बनती है, साथ ही साथ भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। समर प्लोइंग का तीसरा लाभ है, अगर आप खेतों की गहरी जुताई करते हैं तो उसमें जो नमी की मात्रा है वो लंबे समय तक बरकरार रहती है, एवं आगे बोई जाने वाली फसलों में भी आपको कम सिंचाई की आवश्यकता होगी। बात करें समर प्लोइंग के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य की, अगर आपने समय से खेत को तैयार कर लिया है तो जैसे ही मानसून की पहली बरसात आएगी आप खेत में बुआई कर देंगे, समय से बोई हुई फसल रोगों से तो लड़ने में सक्षम होगी, साथ ही साथ आपको एक अच्छी एवं गुणवत्तापूर्ण फसल का उत्पादन मिल पाएगा। हमने समर प्लोइंग से संबंधित वैज्ञानिक तथ्यों को तो जान लिया, पर हमारे किसान भाई से भी जान लेते हैं कि वास्तव में जो वैज्ञानिक कारण है और किसानों की जो सोच है, किसान जिस तथ्य को लेकर खेत की गहरी जुताई करते हैं वो समान है या उनमें किसी प्रकार की भिन्नता है, तो आइए मिल लेते हैं हमारे किसान भाई से जो भी खेत की जुताई कर रहे हैं, उसे भी जान लेते हैं कि अभी खेत में बुआई का काफी समय है फिर भी इतने समय पहले ही वो खेत की जुताई क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है। आइए, अभी मानसून की बरसात होने में समय है और फसलों की बुआई भी लगभग अपन जून के लास्ट या जुलाई के लगभग करते हैं। हाँ। तो आप लोग अभी से ये खेतों में पहले आपने हेरा काटा है और अब ये डिस्क से इसकी गहरी जुताई कर रहे हैं, तो इसका कोई विशेष कारण है कि भाई आप लोग पहले से खेतों को तैयार कर रहे हैं?
यार इसमें एक दो ही कारण है, एक तो फसल टाइम पे हो जाती है, एक तो फसल टाइम पे हो जाएगी ठीक है, और इसके अंदर वो हरा भरा कोई भी होता है कचरा उसे खाद बढ़िया बन जाता है। अच्छा, जो खरपतवार होती, किसान भाई चित्र जी का कहना है कि भी जो खरपतवार होती है वो कटपीट के जब भूमि में दब जाती है तो उसका हरा खाद बन जाता है, यानी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, दो कारण हो गए, एक तस्वीर कम लगती है उसे पिलाव काटने से, क्या नमी बनी रहती है। किसान भाई कह रहे हैं कि जो गहरी जुताई होती है उससे भूमि की मिट्टी की नमी बनी रहती है, जब सिंचाई करते हैं तो वो लंबे समय तक रहती है। ठीक है, और कोई फायदा चित्र जी गर्मी में गहरी जुताई को? एक पांच दुनिया जब यहाँ जो गहूँ काटे बाद भी दड़ा फटा रह जाए जी, लटा फटा भी हम तो रही चाहे कीटाणु तो रही जी 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 का मान पिलाओ काट छोड़ दिया तो भाई तापमान सु गर्म तापमान जा लो नीचे जो भाई मर जाए चे आगे फसल का मान कोई नुकसान को न हुई यहाँ को। अच्छा अच्छा, किसान भाई चित्र जी कहना चाह रहे हैं कि फसल की कटाई के बाद जो खरपतवार रह जाती है या फसल के अवशेष रह जाते हैं उनके नीचे दीमक है, वाइट क्रब है, पलती रहती है, पर जब हम गहरी जुताई करते हैं, डिस्क से प्लोइंग करते हैं तो मिट्टी उथल पुथल होती है और जो दीमक है, वाइट क्रब है, वो ऊपर आ जाती है और जो गहरा तापमान होता है उससे वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे आगे की फसल की बुआई करते हैं तो बीज के अंकुरण से लेकर उसकी वृद्धि बढ़वार तक कीटों की जो लगने की संभावना होती है वो न्यून हो जाती है और जो फसल है वो स्वस्थ और समृद्ध होती है। तो चित्र जी, आपका खेतीबाड़ी के अलावा और कोई भी व्यवसाय है? कोई नहीं है। तो बच्चों की पढ़ाई आजीविका सारा काम आपने खेती से किया? खेती है, से किया। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं या वो भी खेती में ही जुटे हुए हैं? खेती में नहीं है, एक तो MBBS हो गया, एक कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, एक अकाउंटेंट है। अच्छा, और आपका घर भी बहुत अच्छा बना रखा आपने, किसान भाई ने केवल खेती में एक अच्छे प्रबंधन से बच्चों की पढ़ाई भी की है, एक अच्छा घर भी बना रखा है, दुग्ध उत्पादन भी कर रहे हैं। खेती के पीछे एक बच्चे ने MBBS की पढ़ाई पूरी कर ली है, प्रैक्टिस कर रहा है, एक बच्चा अकाउंटेंट है, एक बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। अच्छी परिवार में शादियां वगैरह की है, अच्छा गृहस्थी का कार्य चल रहा है, इसलिए किसान साथियों खेती को एक टाइम पास का जरिया न बनाकर आप खेती को एक व्यवसाय बनाए, समय से अनुशासित तरीके से खेती के सभी कार्यों का प्रबंधन करें तो निश्चित तौर पर खेती आपके लिए सदैव फायदे का सौदा होगी। अगर आप आलस करेंगे, खेती के कार्यों का समय पर एवं अनुशासित तरीके से प्रबंधन नहीं करेंगे तो खेती फिर आपके लिए घाटे का सौदा ही होगी। चित्र जी, किसान भाइयों ने कोई विशेष मैसेज दे बो चाहो, कोई विशेष बात कह बो चाहो खेती बाड़ी से संबंधित? खेती बाड़ी से टेम मे सारा काम हो जाए, खेत तैयार हो जाए और तैयार हो जाए, जहाँ विश्व बढ़िया पैदावार हो जाए, बढ़िया लाभ मिल जाए और बढ़िया काम हो जाए, न करे से अलसा करे तो यही वो विश्व फल मिल लो पाने। बिल्कुल सही बात है, अपने किसान भाई चित्र जी कह रहे हैं कि अगर हम खेत को समय से तैयार करेंगे, समय से बुआई करेंगे, समय से उसके सभी कार्यों का प्रबंधन करेंगे तो खेती अपने को फायदा देगी, और अगर आलस कर गए तो वैसी ही खेती होगी और वैसा ही अपने को फायदा मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खेती बाड़ी से संबंधित तकनीकों, नवाचारों एवं खेती बाड़ी के उन तरीकों को लेकर जिनसे किसान भाइयों ने एक अच्छा मुनाफा कमाया है और अपने बच्चों की शिक्षा के साथ साथ एक अच्छा सामाजिक स्तर, एक सामाजिक जीवन जी रहे हैं। तब तक के लिए राम राम साहब। राम राम।